गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपना अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। कल मैंने आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, अब आज हम लोग जानेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल क्या होता है? अगर मैं कैपिटल आपको डिफाइन करूं तो आप क्या कह सकते हैं? कैपिटल जो आपका होता है वो होता है आपका जो पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो उसका सेपरेट अकाउंट आपका बनता है। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल का सेपरेट अकाउंट बनता है। ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। ठीक है, अब देखिए, और ये नॉमिनल नेचर का होता है। इसका जो नेचर होता है वो होता है नॉमिनल नेचर। ठीक है, नॉमिनल नेचर का मतलब कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि जो भी आपका लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, उसको डेबिट कर दीजिए पार्टनर का, और जो भी आपका इनकम हो रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, आप लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। ठीक है, उससे आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और फिर आपने ये क्या बोलते हैं, उसके बाद आपको बनाना होता है कैपिटल अकाउंट। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैपिटल अकाउंट आपका किस तरीके से बनता है। तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक आपका होता है फिक्स्ड कैपिटल, अगला होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी कि कैपिटल आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका फिक्स कैपिटल, अगला होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपको बना के दिखाता हूं कैसे बनता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं मान के चल रहा हूं हमारे दो पार्टनर्स हैं ए और बी। ठीक है, तो नोट कर, यहां पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, ये आपकी डेबिट साइड होगी बच्चों। उसके बाद फिर आप लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर आप लिखेंगे ए, और उसके बाद आप लिखेंगे बी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी पार्टनर की कैपिटल दे रखी होगी उसको लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, उसके बाद अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है बाय सैलरी, यानी जो भी पार्टनर की इनकम हो रही है सारी आप उठा के यहां लिख देंगे। उसके बाद अगर पार्टनर को कोई कमीशन मिला है आप यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद जो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट हुआ है वो आप यहां पे लिख लेंगे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला होगा आपका यहां पे कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद आपकी सैलरी हो गई, फिर कमीशन हो गया, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस। यहां पे आप लिख लेंगे ड्रॉइंग टू ड्रॉइंग, क्योंकि ये एक्सपेंस है, इसने उधार ले रखा है फर्म से, और उसके बाद यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ये भी इसका एक्सपेंस है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अब आप इसका टोटल कर लीजिएगा, टोटल करके आप यहां नीचे लिख लीजिए, बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करके टू बैलेंस कैरीड डाउन, आप इसको यहां पे नोट कर लीजिएगा बच्चों। ये अकाउंट, ये आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, और इसका ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। ये उस केस में होता है जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है कि कैपिटल फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड नहीं मतलब कि कभी भी कैपिटल आ रही है और कभी भी कैपिटल जा रही है। क्वेश्चन में आपके अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप मान के चलेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा फिक्स कैपिटल तो आप उसके बाद फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं फिक्स कैपिटल
जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तब आपके दो अकाउंट बनते हैं। पहला आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट आपका बनेगा करंट अकाउंट। पहला आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट आपका बनेगा करंट अकाउंट। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में आप केवल कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट का आपका फॉर्मेट देख लीजिए, कैपिटल अकाउंट का आपका फॉर्मेट पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, ठीक है। यहां पे जो कैपिटल दे रखी होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप उतार लीजिएगा। अब देखिए अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो यहां पे लिख लेंगे बाय बैंक। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, अगर कोई कैपिटल निकाल रहा है तो टू बैंक, और इसका आप यहां पे क्या करेंगे टोटल कर देंगे, ठीक है। कैपिटल लिखा, कोई अगर एडिशनल कैपिटल लेके आया है, कोई कैपिटल निकाला है, और यहां पे आप इसका बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए नेक्स्ट आपका अकाउंट इसमें बनता है करंट अकाउंट। नेक्स्ट जो आपका अकाउंट बनता है वो बनता है करंट अकाउंट। अब देखिए करंट अकाउंट में सबसे पहले आप लिखेंगे, फॉर्मेट आप बना लीजिए पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, ठीक है बच्चे आपने इसका फॉर्मेट बना लिया। अब आगे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए बाय सैलरी, बाय कमीशन, ठीक है, और जो पीएल का प्रॉफिट हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल इसमें नहीं लिखी जाएगी। और यहां पे टू ड्रॉइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसका टोटल कर लीजिएगा। और यहां पे फिर बैलेंस लिख लीजिए टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल लिखा जाता है, और अगर कैपिटल फिक्स्ड नहीं होती फ्लक्चुएटिंग होती है तो केवल एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी में सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है। आप ये दो तीनों अकाउंट बना के अभी मुझे ग्रुप पे सेंड कीजिएगा।